बगनान में बुलाया 12 घंटे का बंद, पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, बुधवार को इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी मौत। पश्चिम बंगाल के बगनान में बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इस बंद का आह्वान स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता पर अज्ञात हमलावरों ने गोली से हमला किया था, जिसमें कार्यकर्ता जख्मी हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार को शख्स ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलने के बाद बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और जगह जगह पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक कारणों की वजह से उनके पार्टी के नेता की हत्या की है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। इससे पहले भी राज्य में कई बार बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बंद के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बगनान में हाट बाजार बंद नजर आ रहे हैं। सुबह एक जुलूस बंद के विरोध में निकाला गया तो एक बंद के समर्थन में निकाला गया। कुल मिलाकर दोनों दलों के समर्थक सड़क पर हैं। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।